सूरतानी स्टेशन, थाईलैंड सूरतानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जो है ना इस तरह की टेम्पू रखा गया है, ये इन लोग का टेम्पू होते हैं ना इस तरह की, देखो आई थिंक दिस इज फ्रॉम चाइना टेम्पू, चाइनीस। यहाँ पर देखो ये टेम्पू जो है ना मेरे ख्याल में शायद चाइना वालों का होगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ सूरतानी में गोल्ड का शॉप बहुत ज़्यादा होते हैं, ये देखें यहाँ पर जो है ना ये लोग ज़्यादा गोल्ड के कारोबार करते हैं, मतलब सोने का दुकान। और यहाँ पर ये जो है ना ज़्यादा ये अरबी लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग ज़्यादा पिकनिक करने के लिए यहाँ से जाते हैं बस। बाकी तो ये इस तरह के शहर हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसमें तो इतना खासियत नहीं है ये शहर में, मगर घूम सकता है फिर सकता है आदमी थोड़ा बहुत। दूसरी जानिब से एक व्यूवर्स मुझे बोला कि खाने के बारे में बताओ, तो खाने के बारे में भाईजान ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खाओगे उतना खर्चा। अगर आप इंसानों की तरह मतलब खाना खाओगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, अगर आप मगरमच्छ बनोगे तो फिर ज़्यादा खर्चा है। बाकी रूम आपको जो है ना पंखे वाला रूम 200-250 में मिल जाता है, अगर आप एयर कंडीशन वाला रूम चाहोगे तो 500 से शुरू होता है, 450 से 500 से, कोई कोई जगह में 500, कोई कोई जगह में 450, वो भी सिंगल मतलब छोटा सा कमरा, बड़ा मतलब यहाँ थाईलैंड में कमरे अच्छे होते हैं, इतना नहीं, इतना छोटा नहीं है, दो आदमी भी सो सकते हैं आराम से, बेड वगैरह भी अच्छे होते हैं, मगर खर्चे के लिहाज से तो आपने बोला यही है। अगर आप मंथली रहोगे तो फिर आपको सस्ता मिलेगा कमरा, अगर आप डे बाय डे पे करोगे तो इस तरह की खर्चा है, मतलब कभी 300 कोई कोई जगह में, डिपेंड करता है ना आप कौन सी इलाके में रहोगे, अगर मेन सिटी में रहोगे तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर गांव की तरफ रहोगे तो फिर थोड़ा कम चीज़ देना पड़ेगा। कि मैंने कहा ना गोल्ड के शॉप ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। ये सूरतानी शहर है, मैं आज रात यहीं ठहरूँगा और कल सुबह यहाँ से निकल के सीधा करबी वगैरह जो होते हैं ना, ये करबी पॉकेट यहाँ से जो है ना सहूलत है, इसलिए मैं कल रात ट्रेन में से आया यहाँ पर, तो मैंने अपना मैंने सोचा कि आज भी ट्रैवल करूँ तो फिर थक जाऊँगा ना, तो एक रात यहाँ रहो ठहर के फिर निकलूँगा इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पर जो खाने का जो सिलसिला है, वो खाना जो है आपको KFC वगैरह भी मिल जाते हैं, बाकी अगर आपको हलाल फूड चाहिए मतलब ना, तो भी बड़े मार्केटों में जाओ, वहाँ पर मुस्लिम भी है, अगर 10 ये लोगों का अपना है तो फिर एक तो मुस्लिम बैठा होगा तो मुस्लिम का हलाल फूड बेचता होगा ना, इस तरह होते हैं। चलें आगे जाके देखेंगे क्या क्या है। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि थाईलैंड में किसी शहर में जाओ तो आप लोगों को इस तरह की फूल वगैरह जो है ना देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत सफाई का पाबंद रखते हैं। और यहाँ पर ये तो शहर में इतना मुझे खासियत नहीं दिख रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि ये लोग खुद ही आ जाते हैं ना, यहाँ लोग का इन लोगों का अपना ज़ुबान है और ये लोग समझते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ज़ाहिर है मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो इतना मालूम नहीं है इस शहर के बारे में, लेकिन इस तरह की है। यहाँ पर एक ये भी है, ये समंदर का जो एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर बूट वगैरह आते हैं, तो कार्गो बूट जो बोलते हैं, यहाँ से कार्गो बूट भी यहाँ से चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरह का माहौल है, ये देखो आप लोगों के सामने ना बूट वगैरह भी खड़े हैं, शिप भी खड़े हैं कार्गो का, मतलब ये सामने मेरे ख्याल में कुछ होटल भी होगा शायद, यहाँ से व्यू के लिए अच्छा रखा इन्होंने। और ये पानी है, ये सीधा ये नहर की तरह है, वैसे इतना बड़ा नहीं है, ये सीधा जाके कनेक्ट होता है समंदर पे, तो समंदर से फिर जो है ना जिधर ही मतलब दुनिया की कोई भी जगह में जा सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए मैं इधर आ गया हूँ, देखते हैं फिलहाल। दोस्तों ये थाईलैंड में जो है ना आप किसी भी जगह में चले जाओ तो आपके लिए कुछ इन्होंने सहूलत फराहम करके रखे हैं, जैसा अगर आपने पार्सल खाना लेकर आया, यहाँ बैठ के खाओ या यहाँ बैठ के खाओ या वहाँ भी कहीं भी बैठ के खाओ, तो ज़ाहिर बात है जब आप खाना खाओगे थोड़ा बहुत आपकी हाथ भी गंदा हो जाते हैं ना, कुछ चीज़ साल ना लगेगा हाथ में या कुछ चीज़ ही ना,
तो इस तरह की सहूलत इन्होंने फराहम किया। देखो यहाँ पर आके आराम से अपना ये नल खोलो, अपना हाथ धो सकते हो, मतलब कितना प्यारा जगह है। और ये मतलब किसी भी साहिल की साइड में या किसी भी समंदर की साइड में कहीं भी मतलब बैठ जाओ तो आप खाना खाते वक्त आपका जो है ना हाथ थोड़ा बहुत गंदा होते हैं, तो इस तरह की सहूलत इन्होंने फराहम करके रखी है। मेरा मतलब है कि इस तरह की सहूलत इन्होंने फराहम करके रखी है, आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा कि हाथ किधर धो लूं मैं। तो बाकी ये चीज़ जो है आप लोगों ने देखा वहाँ दूसरे शहरों में भी है ना, जो एक्सरसाइज कराते हैं, करते हैं लोग मतलब इस तरह की एक्सरसाइज। ये स्टील से बने हुए हैं, देखो कभी जंग नहीं लगता है इन चीज़ों को। तो किसी भी शहर में चले जाओ ना, गवर्नमेंट ने ये सहूलत भी फराहम करके रखा पब्लिक के लिए, इसलिए ये कंट्री में जो है ना लोग ज़्यादा टूरिस्ट करते हैं। यहाँ पर कोई बोरियत वाला शहर भी हो तब भी आपको कुछ ना कुछ सहूलत मिलेगा यहाँ पर। तो चलें इससे आगे जाएंगे, देखेंगे और क्या क्या है। यस दोस्तों, ये सूरत तानी एक शहर है थाईलैंड का अंदर, तो अभी इस वक्त मैं इसी जगह में हूँ, इसे कहते हैं सूरत तानी शहर। लेकिन इसके अंदर मार्केट, नाइट बाज़ार वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये साइड से आ रहा हूँ ना इसलिए पता नहीं चलता मुझे। मेरे ख्याल में ये कुछ पैसेंजर बूट भी यहाँ पर खड़े हैं, और बाकी ये जो मेरे ख्याल में कार्गो होगा, ये कार्गो शिप यहाँ पर खड़ा है, तो पता नहीं कहाँ से आता होगा ना, या कोई जजीरा में जाता है, या क्योंकि ये जगह जो है ना ये यूँ समझ लो कि ये समंदर है, ये नहर नहीं है, ये समंदर है। ये जाके बड़े समंदर से कनेक्ट हो जाता है, फिर वहाँ से कोसमो आइलैंड है या बैंकॉक कहीं भी चले जाओ तो आपको आसानी से ये जो है ना जा सकते हो। तो ये बूट मेरे ख्याल में शायद बैंकॉक से कुछ सामान वामान लेकर आकर इधर ही इसी शहर के लिए सहूलत देगा। बाकी तो देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, वैसे तो मैं आगे और जा रहा हूँ, देखेंगे आगे क्या क्या है। बाकी यहाँ पर मेरे ख्याल में ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये यहाँ से बूट वगैरह लेकर जाते हैं बड़े शिप वगैरह मतलब। तो यहाँ पर कोताव लिखा हुआ है, यहाँ पर सूरत तानी लिखा हुआ है। सूरत तानी 10 PM से शुरू होता है और कोताव 6 PM से वापस शायद आता होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको पूछता हूँ, ये बैठा हुआ है अपना मोबाइल में, वैसे इंगेज है मसरूफ है मतलब, फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसको पूछता हूँ। ये इस तरह के शायद बूटे जाते होंगे, तो देखेंगे। हाँ ये लिखा हुआ है ना कोताव, ये मेरे ख्याल में क्रूज़ होगा छोटा सा, ये 3 तबक का क्रूज़ है, यहाँ से कोताव वगैरह जाता है। तो कोताव दोस्तों बहुत अच्छा आइलैंड है, खूबसूरत है पिकनिक करने के लिए, क्योंकि सूरत तानी लोग इसलिए आते हैं यहाँ से जो है ना, आपको कोई भी आइलैंड जाने के लिए बूट वगैरह मिल जाता है अगर आसानी से मतलब आपको अगर जाना है तो। तो फिलहाल मैं इस ऑफिस में पूछता हूँ तो इसमें क्या रेट है, फिर आप लोग को बताता हूँ। ये देखो लगा हुआ टाइम टेबल, ये सूरत तानी और ये कोताव, ये बूट जाता होगा रात को 10 बजे शायद यहाँ से। अब रात में क्या समंदर देखेंगे, पहले फिलहाल मैं इसको पूछता हूँ। दोस्तों मैं इसको पूछा, ये 700 बोल रहा है, 700 मतलब यहाँ से रात को 10 बजे यहाँ से बूट निकलेगा। ये क्रूज सामने पड़ा हुआ है, ये देखो इसकी ऑफिस के पीछे क्रूज खड़ा हुआ है, या लिखा हुआ भी कोताव। तो ये 700 बात लेता है, उसके बाद फिर मैंने काने का पूछा, काने का तो इन्होंने कुछ बताया भी नहीं। और बाकी ये लड़की का थोड़ा सा इखलाक भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मतलब वो जल्दी बात कर रहे हैं, मेरा समझ से नहीं आया बात। ये जो कड़ा है ये सामने है, ये 700 बात यानी 700 रुपया यहाँ का लेता है, तो पूरी रात चलता है और सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचता है। एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं कोताव, बहुत अच्छा है, खूबसूरत आइलैंड है। मैं गया था, लेकिन मैं कोसमोस में गया था, कोसमो एक आइलैंड है वहाँ से मैं गया था। तो वहाँ से स्पीड बूट जाते हैं, वो बूटों में जो है ना बैठने में थोड़ा डर भी लग जाता है, क्योंकि अब छोटे बूट होते हैं और स्पीड से चले जाते हैं, और इस तरह का बड़ा जो क्रूज़ होते हैं ना इसमें थोड़ा डर आपको नहीं लग जाएगा क्योंकि बड़ा है ना। तो ये देखो 1, 2, 3 ये 3 तबक का जो बूट है क्रूज़ समझ लो, तो ये जो है ना 700 रुपया लेता है यहाँ का यानी 700 बात। तो यहाँ से रात को 10 बजे डिपार्चर करता है और सुबह वहाँ पर 6 बजे पहुँचता है। बाकी वहाँ पर वहाँ से कितने बजे आओगे तो मैं लड़की को मज़ीद पूछना चाह रहा था, लड़की मोबाइल पे बिज़ी था तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि ये लोग गुस्सा भी जल्दी करते हैं ना ज़्यादा पूछने में क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश भी सही नहीं आता होगा, तो फिर ज़्यादा समझ नहीं आता, फिर बात करते करते ये लोग थोड़ा सा जज्बात में आ जाते हैं।
तो इसलिए ज़्यादा नहीं पूछा। अभी ये देखो कहाँ जा रहा है, सूरत तानी टू कोपांग कोपंगन, चले इसे पूछेंगे ये कहाँ जाता है। इसका भी तो अभी होगा यहाँ पर, हो बैठा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो बैठा हुआ है इसको पूछेंगे ज़रा क्या रेट है यहाँ पर और किस काम के लिए बैठा हुआ है, और इसको इंग्लिश आता नहीं आता वो भी देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं ये बूट को ज़रा एक बार आप लोगों को दिखाऊं, ये इसमें तो कार्गो का सामान ज़्यादा लोड हो रहा है। ये देखो बोरी वगैरह भी पड़े हैं यहाँ पर, ओ गाड़ी से सामान उतारा जा रहा है और शिप में डाला जा रहा है। तो ये कोपंग जाता होगा, तो देखें इसका क्या रेट है, क्या सिचुएशन है, इसको पूछता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का एक ये भी कल्चर का डिज़ाइन यहाँ पर रखा गया, ये पुराने ज़माने के लोग इस तरह की थे और इस तरह की जो है ना मच्छी पकड़ते थे, मतलब इस तरह की ऐसे मच्छी पकड़ते थे। इन्होंने इसलिए डिज़ाइन यहाँ पर बना के रखा कि यहाँ पर इस तरह हुआ करता था। अब दोस्तों वो ज़माना भी चला गया, वो ज़माने का कोई एक बंदा भी इस वक्त ज़िंदा नहीं रहेगा, और इसी तरह हम लोग भी चले जाएंगे एक दिन। दुनिया किसी का जगह नहीं, सब यहाँ पर जो है ना मेहमान है। ये जैसा ये लोग चले गए तो एक वक्त आएगा हम लोग भी चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं और कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये शहर बहुत पुराना है, और इस तरह की देखो ये पुराने घर बने हुए हैं, अभी तक इन्होंने चेंजिंग भी नहीं किया। और यहाँ पर जो है ना सिटी का अंदर बल्दिया का निज़ाम और बल्दिया की गाड़ी भी इस तरह की होते हैं। बाकी थाईलैंड में कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर पिकनिक बहुत ज़्यादा जाते हैं, पिकनिक के लोग मतलब लोग बाहर से पिकनिक करने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, और कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर सिर्फ ये लोगों का अपने कौम होते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पर ताई लोग होते हैं। तो ज़ाहिर है इन लोगों का अपना लैंग्वेज, अपना जो कल्चर, बस बाकी हम लोग जो है ना इस तरह के शहरों में ज़्यादा ठहर नहीं सकते हैं क्योंकि बोर हो जाते हैं। जैसा कि कुनकेन है, बुरीराम है, और ये सूरत तानी है, इसमें मतलब इस तरह की हालात मिल जाते हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। बाकी पताया, जो चंगमाई, बैंकॉक, वो तो डेवलपमेंट सिटी है ना, तो मतलब वो ज़बरदस्त है ना, जगह वो अच्छा है। तो इस तरह ये जो सूरत तानी जो शहर है, इधर आके लोग ये बूटों में बैठ के फिर आइलैंड जाते हैं, तो जाहिर है इसमें थोड़ा बहुत तो आना जाना होते ही रहते हैं लोगों का। बाकी आप लोगों के सामने दिख रहा है किस तरह का माहौल है यहाँ पर। मेरे ख्याल में ये पुराना स्टाइल से अभी तक ये लोगों का कल्चर चल रहा है, और रात को 8 बजे शायद मार्केट बंद हो जाते हैं, और हर किसी को अपना या होटल में या अपना घर में जाना पड़ेगा। बाकी आगे एक बूट कड़ा है, और यहाँ पर ये जितने बूट कड़े हैं सब कंपनियाँ हैं, अलग अलग जगह में आइलैंड जाते हैं, तो ये शहर में ये सहूलत है बस। बाकी मेरा समझ से बाहर है, मैं कहाँ जाऊँ इस वक्त, ये शहर तो मुझे इतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन चलती का नाम गाड़ी, कड़ी का नाम कटारा। चलो आगे जाके देखेंगे क्या क्या है। यहाँ पर गोरे लोग आते हैं, देखो ये गोरे लोग जा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी आइलैंड से आकर यहाँ पर अभी कुछ खरीदेंगे, फिर इसके बाद ट्रेन स्टेशन में जाएंगे या तो बस स्टेशन में जाके किसी और शहर में चले जाते हैं। ये सूरत तानी के शहर में यही सहूलत है, बस यहाँ से आपको आना जाना किसी जगह में थोड़ा सा आसानी है। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को पता है थाईलैंड में किसी भी शहर में चले जाओ तो आप लोगों को फ्रूट खाने का अगर शौक है तो सहूलत ही सहूलत है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे फ्रूटें ऐसे हैं जो शायद हम लोगों ने वहाँ पर देखे नहीं होंगे अपने मुल्कों में, तो यहाँ मिल जाते हैं। देखो ये लेमन का है 120 रुपया, और ये ऐसा ऑरेंज वहाँ भी होते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अच्छे अच्छे फ्रूट मिलते हैं थाईलैंड में खाने के लिए। तो ये मैं चलते चलते मैंने देखा यहाँ पर एक फ्रूट का मार्केट भी है, लेकिन यहाँ ये शहर में थोड़ा सा क्वाइट सिचुएशन है, बेचारा ऐसे ही बैठे हुए, कोई लेता होगा इस तरह की लोग। और ये देखो ये फ्रूटों का तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत, यानी फ्रूट यहाँ पर थाईलैंड में किसी भी शहर में चले जाओ आपको फ्रूट भी इजी मिल जाता है, और दूसरी जानिब से ये 7-Eleven ऐसा सुपर मार्केट है जो आपको हर तरह की खाने मतलब लाल वगैरह सब मिल जाते हैं, मगर पैसा होना चाहिए बस। तो वैसे मैंने इसको भी पूछा, ये कह रहा था कि बोल का कैप्टन बोट, यह हिम कैन ब्रिंग यू टर्न अराउंड द रिवर 100 द रिवर एंड अ मेनी आइलैंड 100 baht for one person, this captain can bring you tour one trip 45 minutes, yeah, and coming back again. Only around this area, right? Yes. Okay.
मैंने इसको पूछा, ये इधर ये अराउंड है, ये इसका जट्टी है, यहाँ से आपको पिकअप करता है और ड्रॉप करता है 101%? यस सर, 100 baht लगता है ये आपको, ये पानी में थोड़ा घुमाता है मतलब इधर उधर आजू बाजू में, फिर उसके बाद जो है ना टाइम खत्म हो जाता है, फिर यहाँ के ड्रॉप कर देता है। चले ओके माय फ्रेंड, थैंक यू। नमस्ते। इन्होंने टेलीफोन नंबर भी रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह का ये जो कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो इस तरह करे, बाकी खुद ही संभालो इन लोगों को। मेरे ख्याल में ये शहर जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगा होगा। यहाँ पर अभी देखो यहाँ इसका भी काम चल रहा है, मुरम्मत हो रहा है ना, ये डिज़ाइन बना के रखा है इन्होंने, अभी फ़िलहाल इस तैयार तो नहीं हुआ, अभी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने शहर को शायद डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब खूबसूरत बनाना चाहते हैं, टॉप अप करना चाहते हैं, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं। वैसे तो ये पुराने बिल्डिंग शायद एक वक्त ऐसा आ जाएगा ये तोड़कर इधर नया 5-star होटल ऐसा कुछ चीज़ बन जाएंगे, क्योंकि थाईलैंड दोस्तों टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर हर शहर में टूरिस्ट लोग जाते रहते हैं। अभी देखो ये सूरतानी शहर में भी यहाँ पर भी आपको जो है ना अंग्रेज़ वगैरह मिलता है, देखने को मतलब मिलता है ना, तो टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते जाते हैं मतलब। तो ज़ाहिर है जब टूरिस्ट आते हैं तो खर्चा वगैरह करते हैं, तो ज़ाहिर है शहर को फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, तो इस तरह ये लोग अपना शहर को ऐसा ऐसा फिर बना देते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का भी होते हैं, देखो ये कह रहा है कि 300 आपसे लिया जाएगा और आपको ये जो छोटे बूट यहाँ पर खड़े हैं इस तरह से आपको घुमाया जाएगा, एक घंटा मतलब आधी का डंडा, एक घंटा घुमाएगा आपको। तो मतलब ये जो खड़े हैं देखो ये कह रहे हैं कि 100 हाँ, एक ट्रिप जो है ना 300 है, अगर एक आदमी जाना चाहता है तो फिर एक 100 जो है ना बात लगता है। ओके थैंक यू फॉर टाइम। बाकी ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये मेरे ख्याल में कार्गो जट्टी होगा, छोटा सा कार्गो, यहाँ पर सामान जो है ना शिपमेंट लोड किया जाएगा। इसलिए देखो लोग बैठे हुए, तो इस तरह के शिप होते हैं यहाँ, सिर्फ पैसेंजर नहीं यहाँ सिर्फ सामान लोड किया जाएगा। ये देखो ये कार्गो का शिप खड़ा है, छोटा सा बूट है मतलब, तो इसमें इस तरह की सामान लोड हो जाते हैं, जैसा भी सामान मतलब किसी को ट्रांसफ़र करना है दूसरा शहर में या दूसरा आइलैंड में, तो ये बूट लेकर जाता है। मेरा काम था आप लोगों को मालूमात देना, जो हर तरह की मालूमात हो यहाँ इस शहर का। बाकी ये आप लोगों का काम है, कितना सब्सक्राइब करोगे मेरा चैनल को आप लोगों का काम है। वैसे आसान काम नहीं है यहाँ पर आना जाना, खर्चा करना, मेहनत, यहाँ इधर उधर पैदल चलना आसान काम नहीं है। तो जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ इस तरह आप लोग भी अगर कोशिश करो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी इससे आगे जाऊँ तो इस तरह की माहौल दिखेंगे, इसलिए मैं फिर रिटर्न हो जाता हूँ। मैंने कहा ना ये जो घर बने हुए हैं, ये जो बिल्डिंग बने हुए हैं सब पुराने हैं, तो शायद बाद में शायद ये सिटी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए, अभी तो फ़िलहाल पुराना है। बाकी दोस्तों इस तरह की रोड में भी जो है ना तरकारियाँ वगैरह सब्ज़ी वगैरह बेचते रहते हैं लोग, और क्या कैसे किस्म के सब्ज़ियाँ होते हैं, किस तरह की होते हैं। यहाँ पर देखो ये नींबू वगैरह, ये मतलब जो रोड में बेचते हैं ना ये थोड़ा सस्ते हो जाते हैं बनिस्बत मार्केट से, क्योंकि इन लोगों का अपना जो दुकान होते हैं पर्सनल, और उसके बाद और ये जो है ना पर्सनल गाड़ी से लेकर आते हैं फिश। देखो इस तरह की फिश जो है ये लोग लेकर आते हैं बाहर से। ये देखो झींगा है, बड़ा ज़बरदस्त है, थोड़ा मैं ज़ूम बढ़ा देता हूँ। ये देखें ये यहाँ पर जो है ना चलते चलते आप अगर आपका पास कोई स्टूडियो कमरा है जहाँ पर किचन वगैरह होगा तो आप यहाँ से झींगा ले कर जो है ना जाके अपना घर में आराम से बना सकते हो, मतलब अपना अपार्टमेंट में या होटल में, बनिस्बत आपके पास किचन हो। अगर किचन नहीं है तो फिर आप जो है ना यहाँ से रेडीमेड मतलब बनाते हैं ये लोग ना, पकाते हैं भी कुछ, तो इस तरह मिल जाता है। ये सूरतानी शहर है, अभी देखो ये इलाके में मैं थोड़ा चलता फिरता घूम रहा हूँ, बाकी आगे जाके देखेंगे। बाकी दोस्तों दुनिया में कहीं भी चले जाओ आजकल के ज़माने में पुल को जो है ना इस तरह सजाया जाता है। ये देखें जो लाइट दिख रहे हैं ना, ये रात में लाइट जब चालू हो जाते हैं ऑन हो जाते हैं तो ये पुल जो है ना खूबसूरत दिखेगा। आजकल यही ज़माना है भाई, आजकल हर जगह में हर कंट्री को जो है ना अपना थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाना है तो इस तरह बढ़ा देते हैं।
क्योंकि थाईलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है, थाईलैंड को भी जो है ना इस तरह ये अपना इलाका जो है ना खूबसूरत रखना पड़ता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर यही हालात है, यहाँ पर जो है ना अभी रात हो गया, दुकानें जो है ना बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में दुकान खुल जाते हैं तकरीबन सुबह 11 बजे 10 बजे और यहाँ पर दुकान जो खुल जाते हैं तकरीबन सुबह 5 बजे, तो जैसा मगरब हो जाता है तो दुकानें बंद होना शुरू हो जाते हैं कुछ शहरों में, और कुछ शहरों में रात भर जैसा पता ही है बाकी बैंकों के वहाँ पर रात भर भी होटलें दुकानें खुली हैं, तो ये लोग अपने हिसाब से सही हैं, हम लोग अपने हिसाब से सही हैं। हम लोग रात को 10 बजे बंद करते हैं तो सुबह 10 बजे 12 घंटा हो गया, और ये लोग सुबह 6 बजे खोलते हैं तो रात शाम को 6 बजे बंद करते हैं वही 12 घंटा हो गया। हर कोई जो है ना अपना अपना हिसाब से चलता है। चलें फिर, अभी शाम हो गया तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। बाकी जी भाईजान, आप लोगों को अगर कभी भी ये सूरत आनी सिटी से कोसमुए जाना पड़े या करबी जाना पड़े या कोई और जगह भी मतलब, तो इस तरह की बस जो है ना आपको लेकर जाएगा। ये बस इंक्लोड विथ बूट टिकट, बूट का भी टिकट इसके साथ इंक्लोड है, जो मैंने आप लोगों को शायद प्राइस दिखाया, दोबारा प्राइस दिखाना चाहता हूँ। और ये देखो यहाँ पर टाइम टेबल भी लगाया गया, ये ट्रांसपोर्ट का टाइम टेबल है, आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि इस तरह से बूट जाते हैं। और देखो यहाँ पर बस का भी बूट लगाया गया, बूट का भी लगाया गया, ये टाइम टेबल है और प्राइस भी है, शायद देखता हूँ, ये टाइम टेबल है। हाँ जी, ये टाइम टेबल है दोस्त, ये टाइम टेबल है, यहाँ से बूट जाता है, ये बस जाता है, और ये इसका ऑफिस है, टिकट यहाँ पर सेल हो जाता है, टिकट काउंटर लिखा हुआ है। और ये जो है ना फ्राइज़ हैं, देखो फिर से आप सूरतानी से इस इलाके में जाओगे तो आपको इस तरह का फ्राइज़ में खर्चा आएगा। ये देखो ये सूरतानी से कोसाओ जाओगे तो 280, ऐसा करबी जाओगे तो 280, इस तरह का फ्राइज़ है। ये बस आपको वहाँ तक जट्टी तक उतारेगा, फिर वहाँ से आप बूट में बैठ के, क्योंकि समंदर है फिर बस नहीं जा सकता है, फिर बस में जो है ना, ये कभी कभी ये भी होता है कि बस वो बड़े शिप के अंदर ही जाता है, तो आप लोग बस में बैठो ऐसी चालू है, जैसा ख़त्म हो जाता है फिर आप लोग नीचे बस के ज़रिए उतरो। कभी कभी ऐसा होता है कि, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बस से उतारा जाएगा तो फिर आप बूट में जाके बैठो कुर्सी में, फिर जिधर जो बूट जा रहा है, जैसा कोसमो जा रहा है, कोई दूसरा आइलैंड जा रहा है, तो वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। ये था, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि अभी रात हो चुका है, मेरा काम था आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना, और बाकी आप लोग इंशाल्लाह खैर कैरियर से होंगे, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह कल सुबह अगले वीडियो। अभी यहाँ पर रात में इस तरह का मार्केट हो जाते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह का, ये सूरतानी शहर है, यहाँ का सिचुएशन इस तरह है रात में। इधर यहाँ छोटा सा नाइट मार्केट है, शायद देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, फिलहाल थोड़ा बहुत इसके अंदर जाके देख लें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये तो और थाईलैंड में कहीं भी चले जाओ इस तरह की सामान, इस तरह की फूड वगैरह मिलते रहते हैं, तो मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही नहीं है, वही शहर वही चीज़ जो बाहर मिलते हैं यहाँ भी यही मिलते हैं, मतलब कुछ फ़र्क नहीं है यहाँ पर। मगर क्या है कि इन लोगों का अपने खाने होते हैं, हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो है ना यहाँ पर बहुत कम इस तरह की खाने जो है ना बहुत कम होते हैं हमारे इंडियन पाकिस्तान। यहाँ पर मुर्गी पकाया जा रहा है लेकिन ये नहीं मालूम कि हलाल है हराम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, और दोस्तों ये मार्केट वैसे बहुत लंबा तक जा रहा है, मैं यहीं से ख़त्म कर देता हूँ वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का अपने सामान मिलते हैं इस तरह के, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर ना।
तो ये इस तरह की वीडियो तो आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ।